हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, अभी सिविल इंजीनियर्स के लिए जो जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है उसके बारे में दोस्तों ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग बात करते हैं। तो आज फिर से दोस्तों मैं एक वैकेंसी की डिटेल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो है दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट के अंदर ये बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। ये सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और आपने कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है तो आप दोस्तों ये जो वैकेंसीज है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं इसकी सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ, कैसे अप्लाई करना है, उसका रिजल्ट कैसे आएगा, सारी डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, जीपीएससी रिक्रूटमेंट 2021, जीपीएससी मतलब गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके अंदर वैकेंसीज निकली हुई है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। करीबन 229 वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, अब ये 229 वैकेंसी है, 10 पास, 12 पास, आईटीआर डिप्लोमा डिग्री होल्डर है उनके लिए सारी वैकेंसीज है, तो इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो स्पेशली जो वैकेंसीज के अंदर जो सिविल इंजीनियर्स के लिए है वो फॉर दोस्तों है जूनियर टाउन प्लानर है, प्लानिंग असिस्टेंट है, प्लानिंग मैनेजर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, ड्रग डायरेक्टर, मेडिकल के रिलेटेड भी है और स्पेशली दोस्तों गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है जिसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे उसके लिए भी वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अक्टूबर है, मतलब इस महीना की 13 तारीख को लास्ट है, तो जल्दी से जाइए अप्लाई करिए। अब नेम पोस्ट और नेम के नंबर से वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर टाउन प्लानर जो है क्लास 2 गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये पोस्टिंग होने वाली है, उसकी एक वैकेंसीज है। प्लानिंग असिस्टेंट क्लास 3 जिसकी भी पोस्टिंग दोस्तों गांधीनगर में होने वाली है उसकी 2 वैकेंसीज है। असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर क्लास 2 जनरल स्टेट सर्विस गवर्नमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रियल माइंस जो है उसके अंदर 6 वैकेंसीज है। डिप्टी डायरेक्टर गुजरात स्टैटिस्टिकल सर्विस क्लास 1 उसकी 14 वैकेंसी है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर जो है उसके अंदर जिसकी पोस्टिंग है वो गुजरात स्किल ट्रेनिंग सर्विस के अंदर होगी, वो दोस्तों करीबन 8 वैकेंसीज है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट आइडियल रेसिडेंशियल स्कूल जो है उसकी क्लास 2 उसके अंदर 1 वैकेंसीज है। सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर जो है फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर उसके अंदर 3 वैकेंसीज है। गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसके अंदर दोस्तों क्लास 1 क्लास 2 दोनों है, जिसके अंदर दोस्तों 194 वैकेंसीज है। गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर 194 वैकेंसीज है, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर किसी कोई भी ग्रेजुएट हो वो दोस्तों इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अब एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल तक की एज लिमिट दी है। डिटेल आप पर्टिकुलर पोस्ट रिलेटेड आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक दे दूंगा। एज रिलैक्सेशन जो भी होगा दोस्तों आपको एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगा, वो भी दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। अब बात करेंगे पे स्केल की, तो जूनियर टाउन प्लानर के लिए अगर अप्लाई करेंगे और आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 44,000 से लेके 1,40,000 तक का पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, उस तरह से प्लानिंग असिस्टेंट में अगर अप्लाई करते हो सिलेक्ट हो जाते हो तो 39,900 रुपये से लेके 1,26,000 तक का पेमेंट आपको मिलेगा। वो फर्स्ट फिक्स पे होगा 3 साल के लिए 38,000 का, उसके बाद दोस्तों आपको ये बड़ा सा लाख रुपए से ऊपर पेमेंट मिलने वाला है, तो जल्दी से जाइए अप्लाई कर दीजिए। असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर 44,000 से लेके 1,42,000 पे स्केल उनको लेवल 8 का मिलने वाला है। डिप्टी डायरेक्टर दोस्तों उसको करीबन 56,000 से लेके 1,77,000 तक का पेमेंट मिलने वाला है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर को 44,000 से लेके 1,42,000 का पे स्केल लेवल 8 का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल को 44 से 1,42,000 लेवल 8 का। सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर को करीबन दोस्तों 9,300 रुपीज़ से लेकर 31,800 का, और उसके बाद दोस्तों 7 पे कमीशन अगर लगेगा तो 44,000 से लेकर 1,42,000 का पेमेंट मिलेगा। गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए दोस्तों भी उतना ही पेमेंट आपको मिलेगा, लेवल 7 का पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना है। तो सबसे पहले जूनियर टाउन प्लानर है तो ये सिविल इंजीनियर्स के लिए है, तो बैचलर डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के अंदर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आर्किटेक्चर नहीं, पर अगर आपने बैचलर डिग्री आपकी सिविल इंजीनियर के अंदर है तो भी दोस्तों आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। सेकंड है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन सिटी प्लानिंग और टाउन प्लानिंग और ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन, रीजनल अर्बन प्लानिंग
ऑपरेट फॉर एनी इंस्टीट्यूट इन द स्टेट सेंट्रल और स्टेट, वो वहाँ से अगर आपने लिया है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। तो मेनली बैचलर डिग्री सिविल के अंदर, और अगर आपने डिप्लोमा किया है प्लानिंग और टाउन प्लानिंग या ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक में, तो भी दोस्तों आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर्स के अंदर। उसी तरह से उसी के अंदर सेम है डिप्लोमा इन सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, और ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन में अगर है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए बैचलर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अगर है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री ऑपरेंट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी सेंट्रल, मतलब इसके लिए सिर्फ दोस्तों आपको बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, तो इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आप मल्टीपल वैकेंसी के अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसकी सारी जो वैकेंसीज है वो अलग अलग इसकी एग्जाम होने वाली है। प्रिंसिपल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए राइट अप्लाई करने के लिए। उसके बाद सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री इन फार्मेसी और फार्मानोटिकल साइंस के अंदर होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए मैंने जैसे बताया कि कोई भी ग्रेजुएट हो राइट, अगर आप इंजीनियर हो, आप मतलब इंजीनियर बैचलर हो, तो आप इसके अंदर जरूर अप्लाई कर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू आपका होने वाला है, और दोस्तों इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपको जाना है जीपीएससी की जो वेबसाइट है ओजस वाली, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। लास्ट डेट यहाँ पे ध्यान रखना कि 13/10 दोपहर के 1 बजे तक ही ये पोर्टल ओपन रहेगा, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, तो जरूर जाइए अप्लाई करिए। तो अब इसके अंदर अप्लाई करने के लिए मैं आपको सीधा वेबसाइट पर ले जाता हूँ। देखिए ये ओजस की वेबसाइट है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको सारे वैकेंसी देखेगी, जूनियर टाउन प्लानर क्लास 2 गांधीनगर, प्लानिंग असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्टर प्रिंसिपल राइट, सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। लास्ट डेट एंड डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी दोपहर के 1 बजे तक। फीस की बात करें तो 100 रुपीज़ की फी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे अप्लाई और डिटेल है। तो पहले हम डिटेल की बात करेंगे, तो डिटेल में भी दोस्तों इंग्लिश और गुजराती दोनों में एससी एसटी के लिए कितनी है राइट, सारी डिटेल आपको यहाँ पे गुजराती और इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, जो मैंने बताया वही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर भी अवेलेबल है, अगर आप डिटेल में कुछ पढ़ना चाहते हो एज रिलैक्सेशन रिलेटेड, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर आप इसके अंदर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले ज़रूर एक बार इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए सिंपल दोस्तों यहाँ पे अप्लाई का, और जैसे आप अगर रजिस्टर है तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे डिटेल चेक कर लेनी है, और ओजस पे आपने जो भी है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये डाल के आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है और फिर अप्लाई कर देना है, ठीक है। ओजस पे सारी डिटेल यहाँ पर ही आती है, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ पे एडिट या डाउनलोड कर सकते हो, फी पेमेंट कर सकते हो, जो भी कॉल लेटर आएगा वो यहाँ से आएगा, फीस यहाँ से आप भर सकते हो, डाउनलोड के लिए रिजल्ट अनसर्ट की सारी दोस्तों ये जो वेबसाइट है इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जरूर इसके अंदर अप्लाई करिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, और अगर आप बैचलर हो तो जरूर बहुत सा आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन है अप्लाई करने के लिए, ठीक है।